विनेश फोगाट, वो नाम जिसने देश की लाखों बच्चियों को उम्मीद दी, वो नाम जिसने भारत का दुनिया में मान बढ़ा दिया, वो नाम जिसने हक के लिए बेटियों को लड़ना सिखाया, वो नाम जिसने कुश्ती के अखाड़े में उस पहलवान को चित किया जिसे कई सालों तक कोई नहीं हरा पाया था। पर विनेश खुद क्यों हार गई? विनेश आखिर ऐसा क्यों किया? आपके शरीर का 100 ग्राम ओलंपिक खेल के लिए नागवार गुजरा हो, लेकिन देश को आपका वही हौसला चाहिए था। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? कुश्ती छोड़ दी, देश के मान और गुरूर को छोटा कर दिया? खेल में हार जीत, सिलेक्शन, डिस्क्वालिफाई जैसा वाकया तो होता रहता है, लेकिन आपके साथ हुए हादसे में देश आपके साथ था। फिर आपने कुश्ती क्यों छोड़ दी? तुम जुगत लगाती, खुद को और मजबूत बनाती, एक बार फिर दुनिया को अपनी हुंकार दिखाती। पदक मिलने से कहीं बड़ा होता है देश का गुरूर बनना। आप भले ही मां से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन देश की करोड़ों माओं को विनेश पैदा करने का जज्बा तो दिया। देश की तमाम बेटियां आपसे गुजारिश कर रही हैं कि विनेश फिर उठो, लंबी सांस लो, मुट्ठी बांधो और नए लक्ष्य की तैयारी में लग जाओ, देश आपके साथ है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। एक भावुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। फोगाट का ये पोस्ट पेरिस ओलंपिक के महिला कुश्ती के फाइनल मैच के महज कुछ घंटों पहले अयोग्य घोषित होने के अगले दिन सामने आया। पिछले दिन सोशल मीडिया पर सामने आई विनेश की तस्वीर देखकर खेल प्रेमी और देशवासियों का दिल पसीज गया था। अब उनका कुश्ती छोड़ देना उनके प्रशंसकों के लिए एक झटके जैसा है। कुश्ती के अखाड़े में पटकनी देने में माहिर विनेश जंतर मंतर पर भी यौन शोषण के खिलाफ डटकर खड़ी रही थी। पिछले साल ही उन्होंने, जब कुश्ती संघ के चीफ रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तो हर कोई हैरान रह गया था। उनके पुलिस प्रशासन के साथ हुई झड़प से लेकर उनके लिए किसानों का हुजूम, हर तस्वीर ने उनके संघर्ष को बयां किया था। हालांकि उनका जीवन ही संघर्षों से भरा रहा है। ये कहानी है उस महिला पहलवान की जो अखाड़े में जीत कर भी किस्मत से हार गई, लेकिन हर भारतीय को इस बेटी पर गर्व है। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव में जन्मी विनेश के खून में ही कुश्ती थी। कुश्ती से ताल्लुक रखने वाले उनके परिवार में छोरा हो या छोरी, कुश्ती तो रग रग में बसी थी। उनके पिता राजपाल फोगाट भी इलाके के जाने माने पहलवान थे। हालांकि कुश्ती में विनेश को माहिर बनाने वाले उनके चाचा महावीर फोगाट हैं। दंगल फिल्म की गीता बबीता को आखिर कौन नहीं जानता, असल जिंदगी में वो उन्हीं के पिता हैं। विनेश की जिंदगी में कुश्ती में दो दो हाथ करना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा होगा जितना कि जीवन के बाकी संघर्षों में रहा है। महज 9 साल की थी जब पापा की हत्या कर दी गई। जैसे तैसे उनकी माँ प्रेमलता और चाचा महावीर फोगाट ने पूरे परिवार को संभाला। अब छोरी होकर कुश्ती करेगी के ये ताने कसना थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन जब विनेश ने कुश्ती शुरू की थी तब तो इन तानों की उतनी ही भरमार थी जितनी उनकी मेडल लाने पर तालियां बजती थी। खैर, विनेश ने इन तानों को ही ताकत बना लिया था। जूनियर लेवल पर कुश्ती में वो काफी अच्छा खेल रही थी। साल 2013 की तो बात है जब दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश ने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर दी थी। उस वक्त फ्री स्टाइल 52 केजी कैटेगरी में विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसी साल कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया।
ये दोनों मेडल उनके सपनों की उड़ान को पंख दे रहे थे। इसके अगले ही साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में विनेश ने 48 केजी कैटेगरी में हिस्सा लिया और सीधा गोल्ड पर कब्जा जमा लिया, जबकि एशियन गेम्स में विनेश के नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा। अब बारी थी रियो ओलंपिक्स की। इस बार विनेश ने और ज्यादा कड़ी मेहनत की। विनेश ने 48 केजी कैटेगरी में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार किस्मत मार दी गई। क्वार्टर फाइनल में उनके घुटने में चोट लग गई, इस वजह से चीन के खिलाड़ी से वो मुकाबला हार गई। उनके दाहिने घुटने में लिगामेंट टियर हुआ था। इसके बाद विनेश की सर्जरी भी हुई और इसके चलते विनेश करीब 9 महीने तक कुश्ती के मैच से दूर रही। उसके बाद साल 2017 में उन्होंने फिर कमबैक करने की ठानी। 2017 में एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल के साथ शानदार कमबैक हुआ। अब वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। साल 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने अपने नाम गोल्ड भी किया, जबकि इसी साल एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी विनेश बन गई। अब वो एक स्टेप आगे बढ़ी, अपनी वेट कैटेगरी में बदलाव करते हुए 53 केजी में खेलना शुरू किया। अब बारी थी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की। मेडल तो एकदम पक्का माना जा रहा था। उन्होंने स्वीडन की सोफिया को हरा कर जीत के साथ शुरुआत भी की थी, लेकिन अगले राउंड में हार गई। विनेश ने मैच के बाद बताया कि वो अच्छी शारीरिक और मानसिक स्थिति में नहीं थी। इसी ओलंपिक के बाद विनेश का नाम विवादों से भी जुड़ा। खबरें आई कि उन्होंने बाकी भारतीय पहलवानों के साथ ट्रेनिंग लेने से इनकार कर दिया था। कहा गया कि उन्होंने अपने पर्सनल कोच से ट्रेन होने की बात कही थी। ये बात भी सामने आई कि उन्होंने ओलंपिक में ऑफिशियल इंडियन किट भी नहीं पहनी थी। अब बवाल और बढ़ा, उन्हें WFI ने अनुशासनहीनता के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया। जब उन्हें निलंबित किया गया था तो WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे। इस दौरान विनेश की एक और सर्जरी भी हुई थी। हालांकि विवादों के बीच भी विनेश फोगाट ने साल 2022 में फिर मैट पर वापसी की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज और बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी अपने नाम किया, लेकिन 2023 में उन्हें कोहनी की एक और सर्जरी करानी पड़ी। ये वही साल था जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने WFI के खिलाफ मोर्चा खोला था। 18 जनवरी 2023 को ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। ये सारा धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा था। इस प्रदर्शन के करीब 3 दिन बाद सरकार जागी और 21 जनवरी को तत्कालीन खेल मंत्री ने पहलवानों को भरोसा दिलाया और मामले की जांच करने के लिए कमेटी भी बना दी। अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। हालांकि जांच कमेटी की रिपोर्ट जब सामने आई तो पहलवान काफी असंतुष्ट थे और फिर अप्रैल के महीने में उन्होंने सरकार पर भी कई सवाल दागे। इस बार FIR भी दर्ज की गई थी। हालांकि प्रदर्शन को लेकर पहलवानों पर भी कई आरोप लगाए गए। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो हर आरोप से इनकार कर दिया था और विनेश को मंत्रा तक कह डाला। फिर मई के महीने में भी वो हालात हुए कि पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प तक हो गई। 28 मई को नई संसद के सामने महिला महापंचायत के ऐलान के साथ ही मामला और बिगड़ गया। 28 मई को जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उसी वक्त खिलाड़ियों का पुलिस से टकराव हो गया और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महिला पहलवानों को संसद तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। पुलिस और पहलवानों में झड़प देखने को मिली। उसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जब मोदी सरकार की काफी आलोचना हुई। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम और पहलवान पुलिस के बीचों बीच थे, झड़प हो रही थी और उनके चेहरे देखकर खेल प्रेमी भी काफी नाराज नजर आए। खैर, उसके बाद इस मामले से राजनीतिक रूप लेने के आरोपों के बीच कोर्ट में ब्रजभूषण पर सुनवाई चलती रही। WFI का नया अध्यक्ष भी चुन लिया गया, लेकिन इसके बाद भी खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि नया अध्यक्ष भी ब्रजभूषण का करीबी है। इस मामले पर भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं।
संजय सिंह अब भी अध्यक्ष पद पर बरकरार हैं। हालांकि इस पूरे मामले और वाकये के बाद भी विनेश ने अपने करियर को प्रभावित नहीं होने दिया, वो लड़ती रही, मेहनत करती रही। अब आई 2024 की जब विनेश ने एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पेरिस ओलंपिक्स 2024 का कोटा हासिल किया, विनेश ने इस बार 50 केजी कैटेगरी में हिस्सा लिया। पहले ही मुकाबले में उसके सामने बड़ी चुनौती थी, कई बार की वर्ल्ड चैंपियन और दुनिया की नंबर वन रेसलर थी सुजाकी। हालांकि इस रेसलर के तमाम रिकॉर्ड्स विनेश के सामने धरे के धरे रह गए, विनेश ने ये मुकाबला जीत लिया और क्वार्टर फाइनल में एंट्री ले ली। सिर्फ 45 मिनट बाद ही यूक्रेन की भी महिला पहलवान को 7-5 से हराकर विनेश ने अब सेमीफाइनल में भी एंट्री ले ली। और सेमीफाइनल में तो क्यूबा की गुजमेन से मुकाबला हुआ, लेकिन ये मुकाबला जबरदस्त रहा। विनेश ने इस मुकाबले में 5-0 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ वो ओलंपिक के कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। अब भारत के लिए मेडल पक्का था, बस फाइनल की तैयारी थी। लेकिन फाइनल से महज कुछ घंटे पहले ही विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया, मैच से बाहर कर दिया गया। उनका वजन महज 100 ग्राम ज्यादा होने के बाद उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया। पूरे देश का पेरिस ओलंपिक से पहले गोल्ड का सपना टूट गया। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक विनेश का मामला चर्चा का विषय बन चुका है। एक झटका देश को मेडल ना मिलने पर लगा और अब दूसरा झटका विनेश के कुश्ती छोड़ने पर लगा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।